ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 13 जनवरी 2019 रविवार का दिन है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि 7:21 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, विशेष करके पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में लोहड़ी महापर्व का आयोजन किया जाता है। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि 4:30 से 6 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्यक्रम या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध धनु राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन सिंह तुला वृश्चिक धनु और कुंभ इन 6 राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इन 6 राशि वालों को मिलेगी बड़ी सौगात। दिन इनके लिए सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जरूरी काम जल्द ही निपटा ले, कोई जरूरी काम कल पर भी टल सकता है। पुराने परिचित लोगों से मुलाकात होगी, मन में कई दिनों से चली आ रही बातें आपके सामने आएगी। आप कुछ नया काम शुरू करने का मन भी बना सकते हैं। अपने घर से किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छा फायदा होगा। पुराने निवेश से भी आपको फायदा होगा। परिवार के लोगों से संबंधों में सुधार होगा। लोग अपनी समस्याएं आपके सामने रखेंगे, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। जो निवेश किया है उसे अभी आपको बिल्कुल भी जो है छेड़ना नहीं चाहिए। अपने ही लोगों के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक लगाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कई लोग आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, कई तरह की सूचनाएं भी आपको मिल सकती है और अपेक्षित ढंग से दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। रुकावटों के बावजूद अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। घर परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। नौकरी बिजनेस में कुछ नया करने से आपको बचना चाहिए। आप आने वाले दिनों की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आज की मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम देगी। और उपाय के रूप में यदि आप पानी में थोड़े से काले तिल बहाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कामकाज में आप बहुत व्यस्त रहेंगे, कोई नया काम फायदे के लिए अपने हाथ में लेंगे, उसे पूरा करने में लग जाएंगे। रोजमर्रा को काम को पूरा करने में आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का योग है। आप ज़्यादातर समस्याओं के समाधान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें, करियर में आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका भी आपको मिल सकता है। परिवार के लोगों की उम्मीदों पर आप जो है खरा उतरेंगे, आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आपको शांति से काम करना चाहिए, दूसरों की बात गंभीरता से सुननी होगी। पुराने परिचित व्यक्ति के साथ अचानक मुलाकात होने वाली है, दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में आटा दान करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। सामूहिक और सामाजिक काम निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी पुराने काम को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। आपके काम अचानक पूरे होंगे और संपर्क भी मजबूत होंगे। अधिकारियों से अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी प्रकार के वाद विवाद में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसी बात या परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी सोच बदलेगी। यह बदलाव आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित होगा। जब आप समझदार दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपको लगभग हर समस्या का व्यावहारिक समाधान भी मिल जाएगा। आपके लिए दिन पॉजिटिव रहेगा। आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच ले, आपके बोलने से विवाद हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप बहते हुए पानी में थोड़े से जो है चावल डालेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज कोई भी काम पूरा करने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो काम आपके सामने है उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। रिश्तों के कुछ मामलों में आप काफी व्यस्त रहेंगे। दोस्तों और प्रेमी के कारण आपको त्याग भी करना पड़ेगा। आपकी जरूरतें पूरी होगी। अपनी योजनाओं में भी आपको बदलाव करना होगा।
आज आप किसी तरह का दबाव भी महसूस कर रहे हैं तो चिंता न करें, आपका दबाव कुछ समय के लिए है, उसके बाद यह दबाव समाप्त हो जाएगा। पार्टनर से संबंध सुधरने लगेंगे, पार्टनर आपको पूरा समय भी देगा। और उपाय के रूप में सुगंधित इत्र यदि आप लगा करके निकलेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी धंधे के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। समय के साथ रहे, जो जैसा हो रहा है होने दे। योजनाओं में होती देर आखिर में आपके पक्ष में साबित होगी। पुरानी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। आपको दूसरों की खातिर कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, उससे आपको कोई फायदा अवश्य ही होगा। आने वाले 2-4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ चीजें आपके फेवर में साबित होगी। समय अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। ऑफिस और बिजनेस में कुछ चुनौतियां मिल सकती है जिनका फायदा भी आपको होगा। उपाय के रूप में सोप खा करके यदि आप घर से निकलते हैं तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। लोगों से मिलने और संपर्क बढ़ाने का दिन है। जो योजना आपने बना रखी है उस पर काम शुरू कर दे। अच्छा फल देने वाला दिन है। ऑफिस में कोई नया काम भी आपको करना पड़ सकता है और आप सक्रिय भी हो जाएंगे। शाम तक ज्यादा से ज्यादा सफल होने की पूरी कोशिश भी आप करेंगे। बिगड़ी हुई स्थिति सुधारने के लिए आपको पहल करना होगी। मधुर शब्द और शांत मन आपके लिए ठीक रहेगा। कोई नजदीकी व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपका हौसला बड़ा हुआ रहेगा। कोई विवाद चल रहा है तो समझौता भी हो सकता है या मामला आपके फेवर में हो सकता है। उपाय के रूप में यदि एक सिक्का हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रसन्नता और संतुष्टि आपको महसूस होगी। आपके लिए दोस्त या परिचित व्यक्ति बहुत खास रहेंगे क्योंकि उनसे ही आपके महत्वपूर्ण काम होंगे। कल्पनाशीलता के प्रभाव से आपके काम पूरे हो जाएंगे। जो काम पहले से चला आ रहा है उसमें आप पूरी तरह सफल भी रहेंगे। आप बहुत व्यस्त हैं लेकिन आराम करने का भरपूर अवसर आपको प्राप्त होगा। टेंशन न ले, घर परिवार के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ लोग आपसे अपने निजी मामलों को लेकर के सलाह भी ले सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान इतना तेजी से होगा किसी एक काम पर एकाग्र नहीं हो पाएंगे। और उपाय के रूप में शिव जी के मंदिर में एक बिलपत्र यदि आप चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपका मनोबल और रवैया सकारात्मक रहेगा। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत रोचक चर्चा आपकी होगी। कार्यक्षेत्र में आप कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। रुकावटें समाप्त होगी। आप कुछ स्थितियों पर नए सिरे से विचार भी कर सकते हैं। जरूरत हुई तो थोड़ा बदलाव भी आप कर सकते हैं। यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों के मामलों में आप अपने पार्टनर्स की सलाह पर भरोसा करें, उसका सुझाव आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। परिवार के ही सहयोग से आर्थिक समस्या आपकी सुलझ जाएगी। आपके और प्रेमी के बीच में कोई तनाव यदि चल रहा है तो उसे सुलझाने के लिए सही समय है, सही दिन है। यदि आप आज कोई भी चर्चा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप पीले रंग का कपड़ा अपने साथ रखते हैं तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। हर काम को अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से आप पूरा करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। कुछ योजनाओं और कामों में आप बदलाव भी कर सकते हैं। पद और पैसों के सिलसिले में अधिकारी या फिर किसी व्यक्ति विशेष से आपकी चर्चा हो सकती है। प्रमोशन के संकेत भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ परिवर्तनकारी स्थिति भी आज आपके साथ बन सकती है। कुछ नया करके भी आप दिखा सकते हैं। बातचीत करने का तरीका बदलना चाहिए और कोई नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। पैसों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। दोस्तों और भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको सकारात्मक और शांत रहना चाहिए। किसी के साथ विवाद बिल्कुल न करें। जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में है उसे किसी के सामने न रखें। गोपनीय रूप से अपने सभी कामों को करना चाहिए। उपाय के रूप में घी और शक्कर दोनों यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दान करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। नौकरी और बिजनेस संबंधित सभी मामले निपटाने के लिए दिन अच्छा है। थोड़ी सी कोशिश से आपको रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। आज अचानक आने वाली परेशानियों और संकट से लड़ने के लिए आप तैयार रहेंगे। आज आप सफल होंगे। आप जिससे भी बात करें साफ और ईमानदारी से करें। कोई आपसे पैसे उधार भी मांग सकता है। किसी से कोई मदद लेने के पहले ठीक प्रकार से विचार कर ले। आखिर आप क्या चाहते हैं? आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। और उपाय के रूप में एक सुपारी यदि आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं मीन राशि की। पुराने किए हुए किसी काम से आपको फायदा होगा। आपके मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे। सफलता से दिन बिताने के लिए सहयोग का मन आपको रखना होगा। छुटपुट और जरूरी काम निपटाने के लिए आपको बड़ी प्लानिंग भी करनी होगी। मन में संकल्प रखना होगा। दोस्त परिवार के लोग और बिजनेस पार्टनर की जरूरतें पूरी हो सकती है। कोई पुराना बिल या पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। पुराना दोस्त अचानक आपके काम आ सकता है। आज किया हुआ शुभ काम आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा देगा। शांत और सहनशील रहे, आपको फायदा होगा। शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में एक पान यदि आप शंकर जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।